हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल हाउस एंड लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं एक एक्सट्रीम मेकओवर का वीडियो लाई हूँ। सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही है, ये मेरे किड्स का रूम है। इस रूम का हम लोग पेंट कर रहे हैं, खुद ही पेंट कर रहे हैं। मेरे लिविंग रूम का मेकओवर का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, लेकिन वो रूम करना बहुत ही आसान था, वो बहुत नीट एंड क्लीन रूम था। लेकिन ये रूम एक्सट्रीमली डर्टी है, आप देख सकते हो। जितना ऊपर तक बच्चे लोगों का हाथ गया है उतना ऊपर तक इन लोगों ने कलर किया है। मैं कभी रोकी नहीं, बच्चे जब मैं शायद 1.5 साल के थे उस टाइम से इन लोगों ने वॉल में कलर करना स्टार्ट किया है, अभी तो 6 साल हो गया है। इस रूम में डैम का ज़्यादा इशू नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एसी के नीचे ही डैम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डैम का डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर रही हूँ। ये 2 डब्बे आते हैं, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। मिक्स करके वो ना एक सीमेंट टाइप का होता है, जब वो ड्राई हो जाएगा एकदम हार्ड हो जाता है, तो बहुत अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम लोग इसको जहाँ जहाँ पर डैम है वो सारे एरिया को और अच्छे से मतलब सीमेंट को पूरा निकाल के फिर वहाँ पर इस तरीके से ब्रश से लगा दी। लगाने के बाद बहुत अच्छे से इसको ड्राई करना होता है, एटलीस्ट 24 आवर्स इसको छोड़ देना है कि बहुत अच्छे से। आप लोगों को देख के शायद समझ आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा डैम था, उन लोग उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाल लिया है, पूरा सीमेंट निकाल के उसके बाद हम लोग ये डॉक्टर फिक्सिट का डैम प्रूफ लगा रहे हैं। अब पेंट करने से पहले वॉल का सारा सामान को हटाना होता है, तो मैं यहाँ पे मेरे बेटा का जितना भी पेंटिंग है ना वो सारा रिशू ड्राइंग करके यहीं पे चिपका देता है, तो मैं वो बहुत आराम से निकाल रही हूँ। इसको मुझे फाड़ना या फिर फेंकना नहीं है, संभाल के रख दूँगी, तो इसीलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ। नेक्स्ट आती है वॉल को क्लीन करने की बारी, लेकिन आप देख सकते हो वॉल मेरा बहुत ज़्यादा डर्टी है। फुल क्लीन तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्कॉच ब्राइट से जितना हो सके मैक्सिमम मैं क्लीन कर दूँ, तो फिर क्या होगा ना पेंट करने के टाइम पे थोड़ा सा आसान होगा। जितना मेरे से हुआ उतना मैं क्लीन कर चुकी हूँ और नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें प्राइमर यूज़ करना है। देखिए, अगर आपका वॉल एकदम क्लीन है, कुछ डैम नहीं है, या फिर आपको कलर चेंज नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट वही कलर यूज़ कर लोगे ना, डायरेक्ट आप वो पेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा सोची हूँ कि कलर चेंज कर दूँगी, क्योंकि राई को चाहिए पिंक कलर, रिशु को चाहिए स्काई कलर, ग्रीन कलर, तो शायद एक रेनबो टाइप कुछ बनेगा मेरे इस रूम में, तो इसीलिए मैं प्राइमर डाल रही हूँ। ऐसे भी प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा सा कलर भी अच्छा होगा और ये जो इतना स्टेन्स है ना वॉल का वो भी थोड़ा सा छुप जाएगा। प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बर्जर का बीपी सीमेंट प्राइमर, बहुत अच्छा है ये। और प्राइमर आप ऐसे ब्रश से भी लगा सकते हो, इस तरीके से रोलर का भी यूज़ कर सकते हो। और इधर का भी देखिए प्राइमर बहुत हो चुका है और बहुत हद तक थोड़ा सा ना ये जो क्रेयॉन्स का मार्क्स है ये छुप रहा है। सो गाइस, मेरे रूम के पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इस रूम को मैंने कैसे कलर किया है उसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैं 2 रूम मेरे घर पे कलर कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कौन सी वो टेक्निक है जो यूज करना चाहिए कलर करने के लिए, जिसका आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। पेंटिंग मैंने क्या क्या कलर किया है, बहुत ज्यादा कलरफुल हो चुका है ये रूम। सो ये वाला जो वॉल है, उनसे अंदर आते ही जो वॉल है वॉल मैंने ऑरेंज कलर का किया है, और ये वॉल, ये 2 वॉल मैंने ऑरेंज कलर का रखा है। अब पिंक कलर चाहिए था तो इस वॉल को मैं एकदम बेबी पिंक कलर की हूँ, पता नहीं इसका कलर कितना पता चल रहा है, लेकिन ये एकदम बेबी पिंक कलर का है। इस वॉल को मैंने स्काई कलर किया है, इसका बॉर्डर पिंक रखी हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा वार्डरोब रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस है, तो लास्ट बार जब मैं किचन कलर की थी तो थोड़ा सा ग्रीन कलर बच गया था, तो वो ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो फाइनली ये कुछ ऐसा लग रहा है। कलर बहुत ही अच्छा हुआ है, रूम बहुत सुंदर लग रहा है।
बच्चों के हिसाब से कलर की हूँ इसलिए बहुत सारा कलर हुआ है, लेकिन सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे वो है ऑरेंज एंड ग्रीन का। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको आपका घर का कलर करना है देन आप ये ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए खुद से कलर करने का ये भी एक फायदा है, अपने बच्चों के हिसाब से आप कलर कर सकते हो। तो ऐसे तो ये वाला रूम काफी हद तक रेनबो बन चुका है, लेकिन बच्चे बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, और क्या चाहिए। सो आप लोग शायद सोच रहे हो कि ये क्या है, खुद ब खुद कलर करती है पूरे घर का, पैसा बचाती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा जरूर बचता है, लेकिन हम लोग खुद से कलर करते हैं उसका एक बहुत ही लॉजिक रीजन है, क्योंकि देखिए मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, सिर्फ 6 साल ही उम्र है उन लोगों का, वो लोग फिर से वॉल पे कलर कर सकते हैं तो फिर वो फिर से खराब हो जाएगा। अब अगर आप एक पेंट वाले को दोगे पूरा घर कलर करने के लिए, पूरा घर नहीं, मैंने 3 रूम ही कलर किया है, पेंटर आके कलर करेगा तो 50 to 60 thousand वो लेकर जाएगा, है ना। और फिर गारंटी नहीं है कि कितना दिन वो नीट एंड क्लीन रहेगा, बच्चे फिर कर देंगे, फिर बहुत दुखेगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाए, थोड़ा सा समझदार हो जाए, उसके बाद ही मैं एक ही बार में बहुत अच्छे से पेंटर से कलर करवा लूंगी। इसीलिए हम लोगों ने खुद ही किया है कि इसके बाद अगर बच्चे खराब भी करते हैं ना तो ज्यादा नहीं दुखेगा, क्योंकि पैसा हमारा ज्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और दूसरा जो रीजन है, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक ही साथ में बच्चों का रूम टूर भी करा देती हूँ। बहुत ही मिनिमम सा चीज है मेरे घर पे, मैं कोई इंटीरियर का काम मेरे घर पे नहीं करवाई हूँ। मेरा बच्चों का जो रूम है वो मेरे बच्चों के लिए एकदम एनफ है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं और काफी बड़ा स्पेसियस सा रूम है, ऐसा नहीं कि छोटा रूम है। सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी बहुत इजीली वो सारी चीजों को एक्सेस कर पाए। ये जल्दी जल्दी से एक छोटा सा रूम का टूर कर लेते हैं। सो ये है मेरे बच्चों का रूम। तो गाइज रूम से एंटर करते ही सीधा यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे प्लांट रखा है, थोड़ा सा रूम अच्छा दिखता है अगर रूम में प्लांट्स हो। उसके बाद ही ये है मेरे बच्चों का अलमीरा, जो एक छोटा सा अलमीरा है, लेकिन मेरे बच्चों का सारे कपड़े बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। उन लोगों का बहुत सारा सामान यहाँ पे स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एवरी 3 months और 4 months में ये सब चेंज होते रहता है। जस्ट अलमीरा के ऑपोजिट में यहाँ पे एक किंग साइज बेड रखा हुआ है, दोनों आराम से सो जाते हैं, कभी कभी तो हम लोग 4 लोग भी यहीं पे सो जाते हैं। और बेड के जस्ट बगल में आप देख सकते हो वहाँ एक साइड टेबल रखा हुआ है। यहाँ पे ज्यादा कुछ सामान मैं नहीं रखती क्योंकि बच्चों का रूम है, सामान टूटने का एक डर लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हो ये कैंडी का करामती है। और यहाँ पे ये एलेक्सा मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसमें कभी नाइट को बेड टाइम स्टोरी, कभी सॉन्ग लगाते हैं, और सुबह मॉर्निंग अलार्म भी एलेक्सा में लगाते हैं। और एक यहाँ पे एक डक है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने मनी प्लांट से डेकोरेट किया है, और जस्ट इसके ऊपर ही बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। बेड के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे मेरे बच्चों का स्टडी यूनिट है। ये काफी बड़ा सा एक स्टडी यूनिट मैंने लिया हुआ है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों यहाँ पे साइड बाय साइड बैठ के पढ़ भी सकते हैं, और उन लोगों का सारा सामान भी यहाँ पे मैं रख सकती हूँ, काफी स्पेसियस है। ये स्टडी यूनिट और बेड साइड टेबल के बीच में आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा गैप है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ऐसे डक बिछा के मैं रखती हूँ कि बेड ज्यादा डर्टी ना हो जाए। स्टडी यूनिट में मेरे बच्चों का सारा स्टडी मटेरियल, सारा क्राफ्ट आइटम, सारा बुक्स, कॉपीज, इवन उन लोगों के बहुत सारे टॉयज भी यहीं पे मैं रखती हूँ। इसका जो अपर पोर्शन है इसको मैंने यूज किया है, सारा जो भी बॉक्स में जो टॉयज रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे राइका है, ये क्या है, राइका, यहाँ पे डॉल हाउस है, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत पजल्स है, और कुछ वो जो स्टोन्स होते हैं ना जिससे बच्चे अपने वो ज्वेलरी वेलरी बनाते हैं उस टाइप का कुछ है, कुछ नेल्स प्रिंट है बच्चों का ही। ये जो है ये सारे बॉक्सेस में इन लोगों का किचन सेट है, डॉक्टर सेट है, और रिशु का शायद एक वन का पजल का सेट है, वो भी इसके अंदर ही मैं रख देती हूँ। उसके बाद ये 2 राई का किचन सेट है, ये सारे मैं यहीं पे रखती हूँ, और बच्चों को जब भी कोई भी एक आइटम लेके खेलना होता है यहाँ से उतार के वो लोग खेल लेते हैं।
उसके बाद एज इट इज रख देते हैं। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना मैं एक बार कर दी हूँ, लेकिन उसके बाद इसको ठीक से रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे बच्चों का, वो मैं नहीं करती। हाँ, बहुत दिन हो गया है, बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया है, मैं एक बार डीप क्लीनिंग कर दी, लेकिन एवरीडे का क्लीनिंग मेरे बच्चे खुद करते हैं। और जस्ट ये टॉयज के बगल में यहीं पे है, ये मेरा एक प्रिंटर है, मेरे घर पे दो प्रिंटर है, तो एक को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये बाद आते हैं, फर्स्ट जो कबर्ड है यहाँ पे राय रिशु के कुछ पुराने स्टोरी बुक्स है, कुछ मेरे डायरीज है। राय रिशु का ज्यादा स्टोरी बुक्स मैं खरीद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि एवरी 15 डेज में बच्चे मेरे लाइब्रेरी जाते हैं। जस्ट इसके नीचे वाली जगह पे ये सारे इन लोगों के क्रेयॉन्स है, इधर उधर रखा हुआ था, इसके सारे मतलब बॉक्स फट गए थे, तो मैं ऐसे बास्केट में भर के रख दी हूँ। और ये सारे जो है ये सारे अच्छे वाले पेस्टल। उसके बाद नेक्स्ट ये बड़ा वाला अगर मैं खोलती हूँ तो यहाँ पे इस साइड में राय रिशु के सारे बैग और यहाँ पे सारे न्यूज कॉपीज रखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल बॉक्स हैं, यहाँ पे मेरा बेटा का एक एज यूजुअल कार वाला पेंसिल बॉक्स वो भी रखा हुआ है इधर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा लैपटॉप, मेरा हेडफोन, लैपटॉप स्टैंड और ये यहाँ पे प्रिंटर का पेपर एंड ये सारे जो मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस है, सिंगिंग क्लास हो गया, आवृत्ति क्लास हो गया, वो सारे क्लासेस का डायरी यहीं पे रहता है। आजकल मैक्सिमम स्कूल्स में बुक्स एंड कॉपीज स्कूल में रहते हैं, एवरी डे दो दो या तीन तीन भेजते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट डे ही ले जाना होता है, तो वो सारे जो बुक्स आ रहे हैं वो बैग में ही रह जाते हैं, अलग से कहीं रखने के लिए जगह नहीं चाहिए होता है। तो ये जो जगह है यहीं पे मेरे बच्चों का एक्चुअल स्टडी मटेरियल हो जाता है, अलग कहीं पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वाला पोर्शन है राय का एंड वो वाला पोर्शन है रिशु का। तो राय का यहीं पे एवरीडे का जो मैं पढ़ाती हूँ बुक्स एंड कॉपीज है, इन लोगों का पेन स्टैंड है, पे सब यहाँ पे ऐसे 3 सेल्फ है, ये मूवेबल है, तो इसको कभी मैं इधर कभी इधर भी मूव कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकती हूँ, तो ये अभी तो एज इट इज है। यहाँ पे सबसे ऊंचे वाले सेल्फ में है गन्नु महाराज, उसके बाद ये मेरा बेटा का एक टॉय है, ट्रेन है, जिसको कलर करके ये हालत कर दिया है। ये मेरी बेटी का फैन है, वो एवरीडे स्कूल में ले जाती है लेकिन आज भूल चुकी है, क्योंकि जब लौटते वक्त पूल कार में ना गर्मी होती है तो उसलिए। और नीचे ये एक पिगी बैंक है, ये पिगी बैंक मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरे भाई का है। ये मतलब मेरा भाई जब एकदम छोटा था, शायद राय रिशु की उम्र में ही था, तो तब से वो यूज करता है और इसमें सच में वो बहुत पैसा जमा भी करता था, उसको जहां भी जितना पैसा मिलता था यहीं पे रख देता था। तो फिलहाल ये पिगी बैंक अभी मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं, मोस्टली ये पिगी बैंक रिशु यूज करता है, राय का अलग पिगी बैंक है, राय अपने आलमीरा में रखती है, तो काफी पैसा है, रिशु ने भी काफी पैसा जमा कर दिया है, तो ये मैं इसलिए मतलब यहीं पे सामने ही रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लोब के बाद यहाँ पे एक पीसी है, आप देख सकते हो इसका क्या हालत है, पेंसिल से ये पूरा ये सब गंदा रिशु ही करता है, और ये वाला साइड है रिशु का। प्लीज इग्नोर करना ये सब, क्योंकि ये सब मेरे बेटा का किया धरा है और वो फिर करेगा, तो इसको अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अलग से जो है जैसा है वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये अपर पोर्शन हो गया, यहाँ पे रिशु ने कुछ किया है तो इसको मैं यहाँ से नहीं हटा सकती। के बाद इसका लोअर जो पोर्शन है ये वाला, ये एक काफी बड़ा सा कबर्ड है और इसमें सारे क्राफ्ट के आइटम्स है, ये फैब्रिक कलर्स है और यहाँ पे कुछ कुछ क्राफ्ट के आइटम है, बहुत सारे कलरफुल पेपर है, मैक्सिमम ये सब राय यूज करती है। ये वाला अगर ड्रॉयर खोले तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, इन लोगों के एबकस है, स्टेपलर है, एक फेविस्टिक, ये एक कपड़ा मैं यहीं पे रखती हूँ, इसी से राय रिशु अपना टेबल क्लीन कर लेते हैं। और इसका नीचे का जो है सेल्फ, ये थोड़ा सा प्लीज इग्नोर कीजिएगा, नीचे एक यूपीएस सिस्टम है और यहाँ पे ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हो इसमें बहुत सारे मेरे ना दिवाली में यूज करने वाले जो टूनी बल्ब्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पे है। नया इस घर का हम लोगों ने पेंट अभी अभी किया है तो बहुत सारा पेंट बच चुका है, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे रख दी। ये तो ऐसे ही बुक्स कुछ रख के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी है ऐसा स्लाइड सा टाइप का, और ये यहाँ पे कीपैड है इन लोगों का। नीचे ये वाला और एक प्रिंटर है, नीचे वाला पोर्शन खाली ही रहता है मैक्सिमम टाइम। जस्ट इसके बगल में यहीं पे राय रिशु का हारमोनियम रहता है,
इस हारमोनियम को रखने के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ अलग सा एक ऑप्शन निकालूं, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ तबला लेने के बारे में। तो हारमोनियम, तबला, सब कुछ अगर एक जगह रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में, बहुत इजी टू यूज भी हो जाता है, दोनों सामान एक ही जगह पे है, बच्चों को प्रैक्टिस करने में भी आसानी होता है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये ऐसे ही है। और यहाँ बेड के ठीक ऊपर ही है एसी, वहाँ पे एक वॉल क्लॉक, नॉर्मल सा चीज है। ये है बच्चों के रूम का विंडो। विंडो अगर मैं खोलूं तो मेरे बच्चों के रूम से ही कुछ बाहर का नजारा ऐसा है। इन लोगों को विंडो में भी मैंने थोड़ा बहुत प्लांट्स लगाया है। यहाँ पर वो जिसको हम लोग बंगाली में कागज फूल बोलते हैं, येलो वाला, ये बाहर निकल रहा है, ये येलो वाला है, और ये है पिंक फ्लावर, अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पे एक मनी प्लांट है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, अभी रेनी सीजन है तो और भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ऊपर में कुछ मैंने हैंगिंग प्लांट भी हैंग किया है, चार है, उधर एक है, 1, 2, 3 एंड 4। काफ़ी खुला खुला है, साउथ फेसिंग है तो काफ़ी अच्छे से हवा एंड धूप दोनों ही आ जाती है। मेरे बच्चों का रूम का एक्सट्रीम मेकओवर का वीडियो। हर एक मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा बहुत इसी तरीके का रूम होता है, हम लोग इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं, ऐसा ही होता है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहा होगा। गाइस प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। सो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and also your family. Bye.